तो भैया मेरे पास अभी फिलहाल तो ये 500 मिलीलीटर की बोतल है पानी की, ये गोल्ड लेबल, ये नोजिंग ग्लास और एक ये ग्लास। आज रिव्यू हम कर रहे हैं गोल्ड लेबल का। क्यों कर रहे हैं भाई? जन्नते मन्नते कुदरते हो गई, इसकी हैसियत से बेपरवाह हो गया। पता नहीं भाई कि आजकल के टाइम पे भी कोई गोल्ड लेबल पीता है नहीं पीता है, पर ये कौन डिसाइड करेगा कि ये रेलेवेंट है या नहीं? मैं डिसाइड करूंगा, आज डिसाइड करूंगा। होता यह है, हम किसी बार में जाते हैं, 550 650 रुपये का इसका 30 ml मिलता है। तो मान लीजिए आप 4 लार्ज पियेंगे तो 1100 इंटू 4 4400 इंटू 30+ 30% टैक्स, यू लुकिंग एट 6000 रुपीज 4 लार्ज के लिए। घर पे बैठे हैं, 5000 की बॉटल है, 40% उसका अल्कोहल बाय वॉल्यूम है। इसको अभी मैं, इज देयर इफ समथिंग इज देयर, ठीक है। अब यार मेरा स्टाइल है वैसे बर्फ के साथ पीने का, लेकिन अभी मुझे ये सब डिफिकल्टीज नहीं चाहिए अपने समक्ष। आज बर्फ के बिना होगा, दिल्ली में कोई इतनी गर्मी नहीं है। ऐसी जैकेट पहना है अडिडास का, से हेलो टू अडिडास। लेट्स टेक अ सिप। ब्लैक लेबल तो गायब हो गई दुनिया से, जब से उनकी फेक मैंने ट्राई की है 3-4 बार, मुझे अब ब्लैक लेबल पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहा। लेकिन बड़े भाई का नाम है गोल्ड लेबल बाय जॉनी वॉकर। स्मेल इसकी बहुत दिलचस्प है, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एनरिचिंग। ड्राइड फ्रूट, एप्रिकॉट, सम हनी फिगमेंट, फिगमेंट कह रहे तो फिग भी कह देते हैं। वेरी ब्यूटिफुल स्मेल, गुड फ्लोरल नोट्स। स्पेसाइड विस्की है तो फ्लोरल नोट्स तो होना ज़रूरी है। एक मिठास है इसमें, मतलब गोल्ड लेवल पियो बहुत टाइम हो गया, लेकिन पहली बार जिसका रिव्यू किया तो मैं पागल हो गया था, पागल, एंड आई लव्ड इट। सो लेट्स टेक अ सिप ऑफ गोल्ड लेबल। दिस इज अ ड्रैम क्लब ग्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपने खरीदना है तो खरीद सकते हैं। हाथ क्यों कांप रहे मेरे? 2 दिन से लगातार पी रहा हूं, बहुत ज्यादा फो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांप रहे तो कांप रहे भाई, ये देखो हाथ कांप रहे मम्मा। एनीवेज सॉरी फॉर द नॉटक, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, कोई कर लो भाई सब्सक्राइब। थोड़ी चिंगारी मिसिंग सी लग रही है इसमें, पहले ड्रिंक में। मान लो जैसे ये पता है कैसे टेस्ट कर रही है, जैसे आप किसी बार में विस्की मंगाते हो राइट, और आपको पता होता है कहीं ना कहीं कुछ मिलावट है और कुछ सही नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ये बॉटल ऐसे टेस्ट कर रही है। कलर आप इसका देखिए, काफी एम्बर है। दे डोंट यूज नेचुरल कलर्स, थोड़ा बहुत ये कलर्स ऐड करते हैं। और बाकी रही बात कहाँ बनती है, ये किस कंट्री में बनती है, तो ये स्कॉटलैंड में बनती है, स्पेसाइड रीजन में, स्पेसाइड रिवर पे सारी स्पेसाइड फैक्ट्रीज है। सो यूजुअली इनका नोट काफ़ी फ्लोरल होता है, चेक फ्लोरल है, स्मोकी नोट्स मिसिंग है, आफ्टर टेस्ट। आई डोंट नो, नॉट टेस्टिंग वेरी गुड इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ओके, तो हमने ये डाल दी इस ग्लास में, ठीक है। पता नहीं कसूरदार बॉटल है क्या है, बट अगर ये बॉटल भी खराब निकली तो आज के बाद जॉनी वॉकर गुड बाय। ये कभी नहीं सोचा था जब दारू पीना शुरू किया था कि ये भी देखना पड़ेगा भाई फेक आ रही है कि जेन्युइन आ रही है। इतने पैसे जब आप खर्चते किसी विस्की पे और उसके बाद भी आपको शक होता है तो भाई अच्छा नहीं लगता, हृदय परिवर्तन हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। ऊपर स्टॉपर लगा हुआ है तो इतना इजी भी नहीं है इसे डुप्लीकेट करना। ये थोड़ा लूज हुआ हुआ है, बाकी ये ऑनेस्टली बॉटल को देख के, बॉटल तो मुझे जेन्युइन लग रही है, यू नो। पीछे स्टिकर भी लगा हुआ है, 4980 रुपये लिखे हुए है, दिसंबर 2021 को लिखी हुई है। मैं ये लेके आया था दिसंबर 2021 है जनवरी में, पता नहीं कहाँ से, बट एनीवेज मुझे उतना याद भी नहीं। किसी कबर्ड को खोला तो उसमें ये प्रॉपर पड़ी थी, तो मैं ले आया रिव्यू के लिए।
एनीवेज सॉरी इतना आपको वो करने के लिए। पानी मिक्स कर दिया है, पानी के हाथ से पिलेंगे, 5 मिनट वेट नहीं करेंगे आज क्योंकि बर्फ नहीं है और मूड है बस पीने का। फीकी टेस्ट करिए काफी पानी के साथ, कुछ इसमें रिचनेस भी नहीं है। सच कहूँ तो मुझे डाउट है इसकी इसकी जेन्युइननेस पे, बिकॉज गोल्ड लेवल पहले पी है मैंने, और ब्लेंडेड विस्कीज बहुत अच्छी मिक्स होती है पानी के साथ। जब मैं आप देखेंगे मेरे सारे रिव्यूज़ उसमें कई बार मैंने दिखाया है, बट ये थोड़ी मुझे अजीब लग रही है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें ऐसे यू नो इफ़ आई डू दिस तो ये बबल्स आर ओके और नॉट। बबल्स फॉर्म होते हैं लेकिन जल्दी हो जाते हैं, तो इट सीम्स ओके, डजंट सीम लाइक इट्स कुछ गलत है इसमें, बट अभी बबल्स आ रहे हैं। तो किसी ने मुझे बताया था कि बबल्स आने से कुछ ख़राब होता है, बट आई डोंट नो दैट। वो बंदा क्लेम कर रहा था कि उसका कोई कारखाना है दारू का, बट मुझे नहीं पता ये सब। फिलहाल मुझे इसकी जेन्युइननेस पे डाउट हो रहा है, तो आई डोंट नो क्या यार। जॉनी वॉकर मैं एक टाइम पे कहता था सबसे अच्छा ब्रांड है दुनिया का, लेकिन अगर फेक आने लगी तो मूड ही नहीं करता ना यार खरीदने का। मतलब इतने पैसे 5,000 रुपये देने के बाद अगर आपको फेक मिलेगी तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा, राइट? मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है अभी। पर सच सच कहूँ तो मुझे याद भी नहीं मैं कब लेके आया इसको, कहाँ से लेके आया, या फिर किसी ने मुझे गिफ्ट किया मुझे, आई डोंट रिमेंबर टू बी फेयर विद यू। बट दिस इज नॉट समथिंग रॉन्ग विद इट, एंड मैं यही पे इस रिव्यू को एंड करता हूँ। तो क्या सीखा हमने इस रिव्यू से? कि सतर्क रहिए, जॉनी वॉकर सबसे मिलावटी ब्रांड है, इसमें बहुत मिलावट हो रही है हिंदुस्तान में। मैंने ब्लैक लेबल के कम से कम 3-4 रिव्यूज़ करे हैं जो मैंने पोस्ट नहीं करे, बिकॉज ब्लैक लेबल नकली निकली। अब आप कहेंगे 3-4 रिव्यूज़ क्यों करे आपने? एक्चुअली जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल का वो नया सीरीज आया था विद द न्यू पैकेजिंग, ऑल ऑफ देम टर्न आउट टू बी फेक। इवन विद द ओरिजिनल पैकेजिंग, ओरिजिनल ब्लैक लेवल बॉटल मेरे पास फेक वाली पड़ी हुई है। तो अगर आप जॉनी वॉकर पी रहे हैं प्लीज़ बी केयरफुल, इज अ हाई चांस द बॉटल इज नॉट जेन्युइन। एंड मैं जानता हूँ ये बहुत रूड अवेकनिंग है सबके लिए, बट आई एम विलिंग टू टेक द प्लंज फॉर द टीम, आई एम विलिंग टू एजुकेट यू गाइज एट माई एक्सपेंस। दिस इज नॉट जेन्युइन गाइज, टेक केयर, टेक इट ईजी।